गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 22 अक्टूबर सैटरडे मॉर्निंग, टाइम 8 बजे। आई होप यू ऑल हैड अ गुड स्लीप यस्टरडे, बिकॉज यस्टरडे हम लोग 120 पॉइंट के ऊपर निफ्टी शॉर्ट में प्रॉफिट कर चुके हैं एक ही ट्रेड में। तो आशा करते हैं शांति से सोए होंगे। तो आज सुबह मैं सोचा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से कर लूँ। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था कल, उसके साथ कुछ बातचीत हुआ, तो मैं सोचा उनके साथ जो डिस्कशन हुआ मेरा वो आप लोगों को भी एक बार ब्रीफ कर दूँ, इसीलिए सुबह सुबह वीडियो कर रहा हूँ। वो मेरे जो फ्रेंड है वो काफ़ी सीनियर पोजीशन से बिलोंग करते हैं कॉरपोरेट इंडिया में। ही इज़ इन वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट एक्चुअली। मेरे साथ ही काम करते थे कोई ऑफिस में मैकेनिकल साइड में एक ज़माने में, अभी ही इज़ पोस्टेड आउट स्टेशन। उनके पास काफ़ी सारा फंड पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। उनके पास दो अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, एक उनके नाम पे, एक उनके वाइफ के नाम पे। 50 लाख तो कभी भी कोई भी अकाउंट में वो डाल सकते हैं कभी भी। तो वो मेरे को पूछा कि देख मेरे पास तो 50 लाख है, हम सुने हैं कि लॉन्ग टर्म कैश होल्डिंग में पैसा हमेशा बनता है। एक्चुअली हम लोग तो मैकेनिकल बैकग्राउंड के थे, स्टॉक मार्केट लेके तो पढ़ाई किए नहीं, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि तू ये सब करने लगा है और तू जो बोलता है हर एक दिन वो होते भी जा रहा है, पैसे बनते भी जा रहा है। तो मैंने सोचा एक बार तेरे से डिस्कस कर लूँ, ये डीमैट अकाउंट्स वगैरह जो सब है ये अगर मैं फिर से चालू कर लूँ और उसमें 50 लाख रुपया डाल के पोर्टफोलियो बना लूँ धीरे धीरे करके, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैश सेगमेंट में होल्डिंग करता हूँ तो पैसा बनेगा क्या? तो मैं बोला भाई हाँ बनेगा तो ज़रूर लॉन्ग टर्म कैश होल्डिंग में, लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड वो बढ़ जाएगा अभी आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो। और अगर लंबा आपका होल्डिंग पीरियड बन गया तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर एनम वो कम हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन भी तो बहुत स्ट्रांग है, आपका जो रिटर्न है वो तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका तो भाई साहब 20-25% पर एनम मिलने वाला नहीं है अगर आप अभी पोर्टफोलियो बनाओगे तो। तो पोर्टफोलियो बनाने का भी एक टाइम होता है। अभी जो टाइम है भाई साहब वो टाइम है ऑन एवरी मार्केट राइज आप धीरे धीरे आपका पोजीशन खाली करो। अगर लॉस में भी हो तो लॉस कम करके धीरे धीरे पोजीशन खाली करो। ये पोर्टफोलियो खाली करने का टाइम है भाई साहब, पोर्टफोलियो बनाने का नहीं है। क्योंकि 2023 में एक बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, डेंजरस मंदी। और ये मंदी विल स्टार्ट एट द पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल। रिजर्व बैंक ने तो खुद बोल दिया है जनवरी टू फरवरी 2023 में रेट हाइक साइकिल विल बी कंप्लीटेड। तो हो सकता है 2023 जनवरी से कुछ होने लगे धीरे धीरे, और हर एक स्टॉक्स जो है वो धीरे धीरे गिरता रहे, आप एवरेज करते जाओगे 20% नीचे एक ट्रेंच और 20% नीचे और एक ट्रेंच करते 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 करते, तो भाई साहब पॉकेट से बहुत पैसा निकल जाएगा और बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको सुझाव दिया जब ये क्रैश 2023 में कंप्लीट हो जाएगी, जब मार्केट शमशान घाट तक पहुंच जाएगा, जब सब लोग मार्केट को गाली देगा, कोई भी मार्केट की तरफ देखेगा नहीं, सभी लोग बोलेगा ये मार्केट बेकार है बेकार है बेकार है, समझिएगा वही असली टाइम होगी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टिंग योर पोर्टफोलियो।
ये मार्केट जो है ना, ये एक साइकिल है, ये गोल गोल घूमता रहता है। अब साइकिल का टाइम को कैच करना है, उस टाइम हम उसको एक पोर्टफोलियो बना के देंगे, 5 शेयर का दूंगा, वही काफ़ी रहेगा। और उसी टाइम वो 5 शेयर में उसका जो फंड है वो सब इक्वली डिवाइड करके डालना पड़ेगा, प्रॉपर लेवल देख के। जब मैं उनको दूंगा वो 5 शेयर, मैं आप लोगों को भी दे दूंगा। और मैं क्यों वो 5 शेयर चुनूंगा, उसका जो लॉजिक है, तर्क है, वो भी आपके सामने यहीं पे पेश करने वाला हूँ। मैं सेगमेंट देखूंगा, इकोनॉमी देखूंगा, उसका 5 साल का बैलेंस शीट देखूंगा, फिनेंशियल स्टडीज़ करूंगा, और उसके बाद चार्ट स्टडीज़ विथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वो भी दूंगा। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, अगर आपका पोर्टफोलियो अभी लॉस में है तो यूज़ दिस राइज इन द मार्केट टू एग्जिट दिस पोर्टफोलियो इन अ फेज वाइज मैनर एंड टू रिड्यूस योर लॉसेज। वंस यू हैव क्लियर्ड द पोर्टफोलियो एट हायर लेवल्स, चाहे जितना भी हाई जाए, चाहे 18,000 जाए, 18,500 जाए, कहीं भी जाए, पोर्टफोलियो बनाओ मत, धीरे धीरे एग्जिट करो। और अगर फिर भी लॉस में रहोगे तो कॉन्टैक्ट करिए मेरे से इस चैनल के साथ, ताकि निफ्टी फ्यूचर के ट्रेडिंग से हम धीरे धीरे आपका लॉस रिकवर भी कर पाए। और ये जो प्रॉफिट आप लोग करते आए हो ना अगस्त से, कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट एवरीडे निफ्टी में, वी आर बेसिकली गेटिंग रेडी फिनेंशियली बाई गेट मेकिंग दिस प्रॉफिट्स टू फाइनेंस अवर पोर्टफोलियो। हर एक दिन प्रॉफिट करते जाना मार्केट क्रैश होने तक, और जो पैसे बनेंगे मोटे पैसे, उससे अपना पोर्टफोलियो फिनेंस कर लेना। बैंक से पैसा निकाल के डालने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू फाइनेंस योर ओन पोर्टफोलियो वेरी सून थ्रू ट्रेडिंग इन निफ्टी। और जब पोर्टफोलियो बना देंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सोच लेना बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए हो, और उसका रिटर्न आपका 20-25% पर एनम आने वाला है। और उसको होल्ड करिएगा एज अ फिक्स डिपॉजिट 4-5 साल, तो फिर दुगना, 3 times, 4 times ये सब होने लगेगा। अब बोल रहे ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल का एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टॉक का, बहुत ही बढ़िया स्टॉक। देखिए सब कुछ समय के अधीन है, समय के बाहर कुछ नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं, हाँ, इसका लाइफ टाइम चार्ट खुलिएगा, लाइफ टाइम चार्ट, ऑल डेटा आप लोग देखिएगा। जब भी मार्केट क्रैश करता है, जब भी मार्केट नीचे जाता है, ये पता नहीं क्यों देशों के आसपास आ जाता है। कल था वो 561 point something क्लोजिंग SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखते हैं कब कब ये 150 रुपया के आसपास आया था, देखते हैं। मंथ ऑफ मई 2020 में इसने लो किया था 149.45। उससे पहले मंथ ऑफ फरवरी 2016 इसने लो किया था 148.25। उससे भी पहले इसने अगस्त 2013 में लो किया था 145.27। कल कहाँ क्लोज दिया है, 561 point something। क्या बात है, इतने सारे साल में वो घूम के बार बार 150 के आसपास क्यों आ रहा है? कुछ है क्या 150 के आसपास? मेरे को तो लगता है ये 150 उसका मैग्नेटिक लेवल है, उसका जीवन काल का। तो 2023 में जब मार्केट क्रैश करेगी, ये फिर से तो नीचे आएगी।
हम बोल नहीं रहे कि इस बार भी वो 150 में आएगी, लेकिन नीचे तो आएगी। तो क्या आप दिवाली के बाद SIP चालू करोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? बिल्कुल नहीं। अगर 150 नहीं भी आया, 200 भी आ गया, भाई 560 से 200 तो बहुत नीचे है। आप कुएं में पानी डालते जाओगे क्या एवरेज करते करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वेट करो, 2023 में मार्केट का सत्यानाश हो जाने दो। जब सब लोग मर जाएंगे, सब लोग भाग जाएंगे, मार्केट को गाली देंगे, तभी हम लोग पोर्टफोलियो चालू करेंगे सिर्फ 5 स्टॉक्स का। मैं दे दूंगा आपको, और उसको मेरे देने के बाद भी अपने जितने साधन है उसके ऊपर भी आप लोग खुद भी स्टडी कर लेना, राइट? और इस बीच क्या करते रहोगे? ऊपर जाता है तो स्टॉक खाली करते रहिए, मेरे साथ निफ्टी फ्यूचर का ट्रेडिंग करते रहिए, पैसे बनाते रहिए, और वही पैसा से आप लोगों का पोर्टफोलियो मार्केट क्रैश होने के बाद चालू करिए। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने अभी दिखा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट में, कितने साल पीछे जाके दिखा दिए, ये घूम फिर के 150 में आता ही है। हो सकता है इस क्रैश में ना आए, लेकिन नीचे तो गिरेगा भाई, बहुत ही गिरेगा नीचे। 2023 में अगर मार्केट 50% क्रैश हो गया तो SBI कहाँ तक जा सकता है? 2023 में अगर मार्केट 60% क्रैश हो गया तो फिर कहाँ पर जा सकता है SBI? सोचिए सोचिए, निकालने का कोशिश कीजिए। हो सकता है SBI घूम फिर के फिर से 250 रुपया के आसपास आ जाए। कल कितने में क्लोज दिया है? 561 point something। तो पैसा पंप कीजिएगा क्रैश हो जाने के बाद, जब नीचे के लेवल्स खुलेगा। शेयर्स जो है ना भाई साहब, 2023 में शेयर्स सब कागज बन जाएगा, कागज। कितना SIP करोगे, कितना पैसे डालोगे? ऊपर 1 रुपया डाला, थोड़ा बहुत नीचे गिरा तो 2 रुपया डालना पड़ेगा, और भी नीचे गिरा तो 4 रुपया डालना पड़ेगा, और भी नीचे गिरा तो 8 रुपया डालना पड़ेगा, और भी नीचे गिरा तो 16 रुपया डालना पड़ेगा। इसे कहते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ एवरेजिंग। पैसे रहेगा क्या पॉकेट में तब तक? मेरे को तो नहीं लगता है। और पैसे बच भी गया ना, मेंटली ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि और पैसे डाल नहीं पाओगे, पैनिक स्टेट में आ जाओगे। इसलिए अभी का जो अप मूव है उसको काम पे लगाइए, धीरे धीरे एग्जिट करिए, लॉस मिनिमाइज करिए, और मेरे साथ निफ्टी ट्रेडिंग में उतरिए और पैसे कमाइए। हर एक दिन पैसे कमाते जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही पैसा काम आने वाले है आपका पोर्टफोलियो बनाने के टाइम पे, जब मार्केट शमशान घाट तक पहुंच जाएगा 2023 में। बहुत सिंपल चीज़ है पोर्टफोलियो बनाना, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। एक ज़माना था 2014-2015, हम कैश सेगमेंट में डिलीवरी बेस काफ़ी ट्रेडिंग करते थे। एग्जांपल दे रहा था उस मेरे दोस्त को, मेरे को DCB बैंक में एक टाइम में 2014-15 में कुछ दिखा था, शायद 2015 का ट्रेड था वो, हाँ 2015 का ट्रेड था। मैंने 1,10,00,000 का DCB का शेयर 97 में खरीद लिया, एट द प्राइस ऑफ 97, और एक महीना में वो चला गया 133 प्लस, हाई किया था 137 ऐसा कुछ, मैं 133 में बेच दिया, हो गया ना डिलीवरी वेस कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग। अच्छा, और एक काउंटर बोलता हूँ आपको, अमरा राजा बैटरीज। 2014 में मैंने 600,000 रुपया से इन लेस देन 1 ईयर वो 600,000 को मैंने कन्वर्ट किया 2,000,000 में इन लेस देन 1 ईयर, कैश सेगमेंट डिलीवरी बेसिस ट्रेडिंग में। तो ये सब मैं बोल दूंगा आपको,
और हमारा राजा इन लेस देन वन ईयर 250 से 1000 में चला गया था। देख लेना पुराना चार्ट मार्ट, मैं बोल दूंगा आप लोगों को। इस बार भी वही होगा मार्केट क्रैश हो जाने के बाद, राइट? तो फ्रेंड्स, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द प्राइस। टाइम जो है वो समय, टाइम जो है वो प्राइस को पैदा करते हैं, प्राइस कभी समय को पैदा नहीं कर सकता है। इसको सोचिए, समझिए, और जैसे मैंने एडवाइस किया, मेरा जितना लिमिट है, मेरा जितना ज्ञान है, उतना तक आप लोग भी सोचिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।